नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हरिओम। मित्रों, आज हम बात करेंगे आजकल जो ये चल रहा है दीपावली उत्सव महोत्सव, इस उत्सव का जो अर्थ है वो आजकल विकृत कर दिया गया है। दीपावली कहा जाता है दीपोत्सव, यानी दीपों का उत्सव। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने खुशियों में नाचे गाए थे और दीप जलाए थे, और समय के साथ साथ कुछ चेंज आए इसमें। कुछ लोग आतिशबाजी भी करने लगे, तो आतिशबाजी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर घर में आग लगी है तो उसको बुझाना चाहिए। तो सब लोग तो समझदार नहीं हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हीं से हम कह सकते हैं, जिनके पास थोड़ा विवेक है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास थोड़ी सहन शक्ति है, कुछ संवेदनाएं हैं, उनसे ही बात कही जा सकती है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि अभी तो दीपोत्सव शुरू भी नहीं हुआ है, पटाखे नहीं जल रहे हैं, तभी भी इतना धुंध और कोहरा वातावरण में है, क्योंकि इतना प्रदूषण बढ़ रहा है पराली के कारण, फैक्ट्रियों के धुएं के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण। अभी दीपावली के बाद पटाखों का भी इसमें धुआं शामिल हो जाएगा, तो दिल्ली पूरा एक 15-20 दिन और महीने भर तक ऐसा वातावरण यहाँ का हो जाएगा कि पूरा दम घुटने जैसा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली पर आप पटाखों का विरोध करते हो, हिंदू विरोधी है। नहीं, हम सनातनी ही हैं और हम अपने त्योहारों को खूब अच्छे उत्साह से मनाना जानते हैं और चाहते हैं कि वैदिक परंपरा से हम सब भी मनाएं। लेकिन अगर वातावरण शुद्ध हो तो ये त्योहार हम खूब धूमधाम और पटाखे छोड़कर भी मना सकते हैं, लेकिन वातावरण पहले ही अशुद्ध है तो क्या हमारा इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए? हमारी संस्कृति तो कहती है कि त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है प्राणवायु, और अगर प्राणवायु भी नहीं होगी तो कैसे जीवन जिएंगे? तो प्राणवायु को बचाने के लिए हमारे को जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो केवल दिखावट के लिए प्रकृति की उपासना नहीं करते अपितु तो उसको एक माँ के रूप में पूजना चाहते हैं, पूजन करते हैं, उनको चाहिए कि दीपावली के दिनों में भी हम पटाखों से परहेज करें और बाकी दिनों में भी पटाखों से परहेज करें। पटाखों पर जब तक हम परहेज करें तब तक हमारा वातावरण भारत का जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरे लोग तो खैर गंदगी फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, अगर हम भी उन्हीं की तरह उनकी नकल करेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? बुद्धिमान तो वो है जो कि अपने हृदय की बात सुने, अपने दिल की आवाज सुने, क्योंकि अगर हवाई नहीं होगी, वायु नहीं होगी, तो आप जी कैसे पाएंगे? सबसे ज्यादा जरूरी भोजन और जल से भी ज्यादा जरूरी है हवा, और वो इतनी अशुद्ध होती जा रही है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम दिवाली मनाएं, लेकिन दीपोत्सव के रूप में मनाएं, गरीबों को और जो जरूरतमंद है उनको कुछ सामग्री वितरण कर सकते हैं ऐसे रूप में मनाएं। अपने दुख में रोने वाले तो मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में कुछ काम आना सीख ले, तो औरों को हम कुछ देते हुए, औरों को खुशियों में खुशी मिलाते हुए हम खुश हो रहे हैं। दीपावली के पटाखे छोड़कर हमारे धन का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन सामने वाले को धुएं से दिक्कत भी हो सकती है, उनकी आवाज से पशु पक्षियों को दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा बचें अगर बच सकें तो, यही हमारी आशा है। हम आपको केवल एक निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, दूसरे लोग भी अगर समझें तो हम तो उनको भी कहते हैं कि पटाखे केवल दिवाली पर ही नहीं अपितु नए साल के ऊपर जो क्रिसमस आता है और वातावरण में प्रदूषण होता है, उसके अलावा गुरु पर्व के ऊपर कोई भी उत्सव होता है, क्रिकेट अगर जीत जाता तो भी पटाखे छूटने लगते हैं। तो ये पटाखों का चलन बंद होना चाहिए, इसका तरीके को बदलना चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता, हवामान शुद्ध रहे, क्योंकि हवा को शुद्ध रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। आजकल पॉल्यूशन के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दीपावली के धुआं भी एक कारण हो जाता है, तो हम इस कारण को कम से कम हटाएं जो हम हटा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आइए मनाइए वैदिक दीपावली। हैप्पी दिवाली टू यू। जय श्री राम, हरिओम।